तो गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको प्रो लेवल का बना देगी शायद अगर आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। और मैं बेडरॉक एडिशन में खेल रहा हूँ क्योंकि भाई दोनों में अलग अलग चीजें। और आज मैं ऐसे क्लचेस बताने वाला हूँ कि जब भी आप ऐसे ऊंचाई से गिरो तो भाई आराम से बचो, वो भी 10 बताने वाला हूं। तो उनमें से जो सबसे पहला है वो तो है वाटर बकेट। हर किसी को आती है वाटर बकेट आराम से, बस ऐसे। ये तो मेरा ट्रायल था भाई, अभी दिखाता हूँ वाटर बकेट। ये देखो पूरा घूम के अभी आप चाहो तो कैसे भी इसको यूज कर सकते हो, चाहे 360 डिग्री घूमो या ऊपर से सीधा कूद जाओ, मर्जी है आपकी भाई। बस एक ही ट्रिक होती है कि जब भी इसके पास आए तो पानी छोड़ देते हैं और पानी को वापस ले लेते हैं, बस यही दो काम करने पड़ते हैं फटाफट स्पीड में। इसी की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि इतने पे आते ही सीधा ऐसे दबा दो। तो कोशिश करना कि थोड़े से कम लेवल पे कूदो, जैसे कि यहाँ से ऐसे करने की कोशिश करोगे तो आराम से आ जाएगी ऐसे करके। लेकिन अगर आप नेदर में हो तो कैसे काम करेगी, तो वहां पर दूसरे नंबर की टिप काम करेगी जो कि है स्नो बकेट। तो इसके लिए सिर्फ वैसे ही करना है, नीचे कूदना है और ये लगा देनी है ऐसे करके बिल्कुल। ओ मैंने ऊपर लगा दी भाई, ठीक है लेकिन मैं बच गया। जैसे भी है ठीक काम करते, थोड़े से ग्लिच है इसमें, जहाँ पानी ना हो वहाँ पर पाउडर स्नो काम आता है भाई बहुत तगड़े तरीके से। तो अगली चीज थोड़ी सी मुश्किल है भाई, क्योंकि इसको करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जो कि एंडर पर्ल होता है। इसमें आपको सही चीज देखनी पड़ती है कि जैसे कूदे उसी वक्त फेंक देनी है आपको, तो इस तरीके से काम करती है। मतलब कि जैसे गिरे उसी टाइम ही हमें फेंकनी होती है, अगर हम लेट हुए तो फिर वो एंडर पर लेट पहुंचेगी और हम इतने मर लेंगे। तो इसलिए इसका सही टाइम पे होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारी ये बकेट होती है बिल्कुल लास्ट में नीचे आके, वैसे ही एंडर पर बिल्कुल शुरू होते ही हमें फेंकनी पड़ती है। तो क्या करना है, जैसे ही कूदे वैसे ही फेंक देनी है, तो बड़े आराम से बस क्लच कर जाते हैं। अगली जो चीज़ है भाई उसके लिए तो आपको किसी आइटम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये गेम में एक ग्लिच है जो कि हमारे उस क्लच को करने में काम करती है। खास करके जावा वालों के लिए इजी होता है क्योंकि डिस्कनेक्ट कर देते हैं सर्वर वो। तो क्या करना होता है कि जैसे ही हम कूदे नीचे वैसे ही आपको गेम बस यार फीडबैक पे क्यों क्लिक हुआ मैं बता रहा हूँ इसलिए जावा। तो हमें गेम क्लोज करना होता है सही टाइम पे। फिर से दिखाता हूँ मैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ। ओके ऐसे क्लोज करके सीधा सेव एंड क्विट। तो ऐसे कूदना है जैसे नीचे जाए, सेव एंड क्विट बस। और मैं वापस से जाऊंगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं सीधा लैंड हो जाऊंगा नीचे। होप करेंगे हो जाए, नहीं हुआ ठीक है। जावा में ये वाला ग्लिच बहुत अच्छे से काम करता है, पर बेडरॉक में थोड़ा सा मुश्किल है इसको चलाना। तो अगला फॉलिंग क्लच थोड़ा सा, तो अगला अरे गिरना नहीं, मैं सर्वाइवल में हूँ भाई। अगला जो फॉलिंग क्लच है भाई बोट के साथ होता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे वाटर बकेट है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसके अंदर बैठना पड़ेगा। मैं कूदो भाई, सीधा लगा लेना है बोट और बैठ जाना है। तो इस तरीके से काम करती है ये चीज, बस इसमें सही टाइमिंग चाहिए होगी। और जितनी भी मैं क्लचेस बता रहा हूँ इनको अगर प्रैक्टिस करनी है तो कम हाइट से करना, क्योंकि ज्यादा हाइट से करोगे तो दिक्कत होगी, थोड़ा कम हाइट से ट्राई करना। तो एक और क्लच होता है जो कि रात के टाइम काम करता है, क्लच तो नहीं है ट्रिक होती है वैसे। तो भाई इसमें करना क्या होता है आपको कि जैसे रात हो रही है तो सीधा जाना है बेड पे, सो जाना है नीचे रख के। तो क्या करना है, नीचे जाना है और सीधा बेड लगाना और क्लिक करते रहो। मैं गलत टाइम पे क्लिक कर रहा हूँ ना, अगर मैं ढंग से क्लिक करूँ लगातार करता रहूँ तो मैं सो सकता हूँ, सो गया पर मैं शायद मर गया। अब मरा हूँ मैं, बहुत सही। अगर आपको ये वाली यूज़ करनी है ना ट्रिक तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन जावा में करना, लेकिन ये रात के टाइम ही काम करेगी, कभी दिन में करो भाई। बाकी तो अगर आप नीचे बेड लगा के उस पे ऐसे कूद भी जाओगे ना तो आपको डैमेज कम मिलेगा और स्लाइम होगी तो भी कम मिलेगा। बाकी एक हे बेल है उसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक अगली चीज़ और है जो कि भाई 100% काम करेगी जो कि है कोब वेब। ये भी बिल्कुल उसी की तरह है वाटर बकेट की तरह, बस ऐसे नीचे कूदो और सही टाइम पर लगा देना है तो इस तरीके से बच जाते हैं बस। तो एक कोवेब अगर है आपके पास तो वाटर बकेट की भी जरूरत नहीं है भाई। बोट की तरह एक क्लच और होता है जो कि होता है माइन कार्ट के साथ, बहुत तगड़ा क्लच है भी, और ये भी बिल्कुल बोट की तरह ही काम करेगा कि सही टाइम पे आपको बैठना पड़ेगा। तो डबल क्लिक लगा तो करना कुछ नहीं, बस ऐसे कूदना है और सीधा बस पहुंच जाओगे नीचे। ये वाले क्लचेस बहुत अजीब है, सही टाइमिंग चाहिए होती है इसके लिए, रखनी भी होती है और इसको लगानी भी होती है। निकल ले चल तुम। एक लावा का भी क्लच होता है जो कि हम ऐसे कूद सकते हैं, लेकिन ये फॉलिंग वाला नहीं है, वो क्लच अलग चीज है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ फॉलिंग ये अलग है। अगला जो क्लच है ना भाई इन स्ट्राइडर को लेके है कि अगर हम सही पोजीशन पे स्ट्राइडर पे जाके एक सैडल लगा देते हैं और उस पर बैठ जाते हैं तो भी लगा के देखता हूँ मैं, नहीं लगा पाया ना। अगर पहले से ही सैडल लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सैडल नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है ये वाला करना। अगली भी सेम थोड़ी इसी की तरीके से जो कि हमारे पिग पे काम करती है या हमारे हॉर्स पे काम करती है, जो हमारा टेम किया हुआ हॉर्स रहता है। तो ये भी सेम ऐसे ही रहते है कि अगर मेरे पास कोई पिग है, जैसे कि यहाँ पे पिग है मेरे को पता है भागेगा, तो क्या करना रहता है एक पिग को टारगेट लेना, उस पे सैडल लगाने देंगे और सैडल लगते उस पे उसी टाइम बैठना होता है। ये वाली बहुत ज्यादा
हार्ड होती है। अगर पहले से सैडल लगे होते तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन सैडल नहीं है तो थोड़ा हार्ड है भाई। तो ये कुछ क्लचेज है फॉलिंग के क्लचेज जो कि ज्यादातर जो प्रो प्लेयर होते हैं वो यूज करते हैं। मैं तो बस एक वाटर बकेट ही यूज करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे गेम के एपिसोड में।